श्रावस्ती का खुर्शीद फेसबुक के जरिए नाम बदलकर फंसाता है अमीर घर की लड़कियों को, फिर धर्म परिवर्तन कराकर शादी रचाकर देता है मिशन को अंजाम। श्रावस्ती के खुर्शीद ने अपना धर्म बदलकर अमन पांडे के नाम से फेसबुक के जरिए चेन्नई की रहने वाली एक पैसे वाली अमीर ईसाई धर्म की लड़की पूनम कुजूर को प्रेम जाल में फंसाया। उसके बाद उसको अपने घर श्रावस्ती लाकर धर्म परिवर्तन कराकर परवीन बानो बनाकर उसके साथ शादी रचाया, फिर उसी के पैसों से अपना घर बनवाया। जब उसका मिशन पूरा हो गया तो उसे घर से भगा दिया। उसके बाद जब लड़की ने विरोध किया तो युवक खुर्शीद का जो सच सामने आया उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पूनम कुजूर के द्वारा बताया गया कि वो वैसे तो झारखंड की रहने वाली है, लेकिन वो अपने परिवार के साथ चेन्नई में रहती थी। फेसबुक के जरिए काफी दिनों से एक लड़के से उसकी बातचीत हो रही थी। लॉकडाउन के समय उसे ड्राइवर की जरूरत थी तो उस लड़के को चेन्नई बुलाया, जहां से उसके लड़के के द्वारा उसके परिवार के साथ उसको उसके घर झारखंड पहुंचाया गया। फिर उस लड़के के द्वारा कहा गया कि उसका घर पास में ही है, उसको उसके घर छोड़ दिया जाए, जिसके बाद खुर्शीद के द्वारा पूनम कुजूर को अपने साथ अपने घर श्रावस्ती लाया गया। फिर खुर्शीद के द्वारा पूनम कुजूर का धर्म परिवर्तन कराकर उसे परवीन बानो बनाकर उससे शादी रचाकर उसके पैसों से अपना घर बनवाकर उसके जेवर को हड़प कर खुद फरार होकर अपनी पहली पत्नी को भेजकर घर खाली करने की धमकी दिलवाया गया। तो उसके बाद पूनम कुजूर को पता चला कि जिसके साथ उसने शादी रचाई है उसका काम ही यही है, पहले लड़कियों को फेसबुक के जरिए फंसाना, उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन कराकर शादी रचाना, लड़कियों के पैसे से अपना मिशन पूरा करना, फिर मिशन पूरा होने के बाद उन्हें भगा देना। पीड़ित पूनम कुजूर के द्वारा बताया गया कि खुर्शीद का काम ही यही है, फेसबुक के जरिए नाम बदलकर लड़कियों को फंसाना। मुझसे पहले भी उसके द्वारा 3 लड़कियों को फंसाया गया, उनसे शादी करके उनकी जिंदगी को बर्बाद किया गया, हम चौथे नंबर है। वहीं इस पूरे प्रकरण में पीड़िता पूनम कुजूर के द्वारा बताया गया वो न्याय के लिए 2 साल से पुलिस के थाने के चक्कर काट रही है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। अब वो श्रावस्ती के एसपी प्राची सिंह को जनता दरबार में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। उसे श्रावस्ती के एसपी के द्वारा न्याय दिलाने के लिए आश्वासन दिया गया है। जी, मेरा नाम पूनम है, वैसे मैं झारखंड से रहने वाली हूँ, पर हम लोग चेन्नई में रहते थे। तो लॉकडाउन के दौरान एक लड़के से मतलब मुलाकात हुई थी फेसबुक के जरिए, काफी दिन से बातचीत हो रही थी। तो हमें ड्राइवर की जरूरत थी तो उसे हमने बुलाया था चेन्नई। तो लॉकडाउन के दौरान वो मुझे हमें पूरे फैमिली के साथ मुझे झारखंड छोड़ लिया। उसके बाद वो मुझे यहाँ ले आया कि मैं कैसे जाऊँगा, वाहन की जरूरत है, तो मैं उसके साथ ले आई। उन्होंने कहा था कि काफ़ी पास में हमारा घर है, तो मैं उसके भरोसा करके आ गई उसके साथ यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद में उसने मुझसे शादी किया, धर्म परिवर्तन करवाया, जबकि मैं ईसाई धर्म से हूँ। और यहाँ पे मैं मतलब बाद में पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है, तो मैंने कंप्लेंट भी किया, काफ़ी कुछ हुआ। लेकिन धर्म आपको परिवर्तन कराया? जी, मुस्लिम। जी, किस धर्म की हैं आप? मैं ईसाई धर्म की हूँ। क्या नाम है आपका? पूनम कुजूर। नहीं, फिर मुस्लिम धर्म उसमें परवीन बानो रखा गया मेरा नाम। अच्छा, फिर बताएं कि क्या हुआ? जी, शादी किया, सब कुछ किया, उसके बाद में मेरे पैसे से मकान बनवाया, मेरे काफी सारे जेवरात थे, सब कुछ हड़प लिया उसने, फिर वो फरार हो गया छोड़ के। तब मैंने कंप्लेंट किया, फिर उसकी पहली औरत आई, बोलती मेरा मकान है, वो मुझे मकान से निकालने लगी। तब मैंने कंप्लेंट किया, काफी कुछ हुआ, पर वो फरार हो गया ना, तो कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। तो पुलिस वाले कहने लगे कि वो जब यहाँ है ही नहीं तो मुकदमा लिख के क्या करेंगे। तो मैं 2 साल से ऐसे ही भटक रही हूँ, कब से मैं कार्रवाई कर रही हूँ। अभी आप एसपी कार्यालय पे आई थी, एसपी साहब से मुलाकात की है, क्या कहा उन्होंने? हाँ जी, उन्होंने कहा कार्रवाई की जाएगी, जो सच्चाई है उसमें कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने ये कहा। कार्रवाई का आश्वासन आपको दिया गया है? जी। अच्छा, एक बात और बताइए आप। जी, आपने ये बताया कि उसने कई शादियाँ की। हाँ जी, कितनी शादियाँ उन्होंने की है? मेरे ख्याल से मैं तो 4th नंबर पे हूँ, लोग बताते हैं 4 शादियाँ कर चुका है। हाँ जी, हाँ, मैं 4th नंबर पे हूँ। तो लगातार वो फेसबुक? हाँ जी, फेसबुक के जरिए अलग अलग आईडी से लड़कियों को फंसाता है।